रेडी टू ईट निर्माण के संबंध में लिए गए निर्णय के पीछे छत्तीसगढ़ महिला स्व सहायता समूह ने बुधवार को रायपुर के बुढ़ापारा धरना स्थल में सैकड़ों की संख्या में राज्य सरकार के विरुद्ध एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन करते सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला स्व सहायता समूह के लोगों ने बताया, शासन द्वारा रेडी टू ईट निर्माण के संबंध में जो निर्णय लिया गया है वह महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ है। कांग्रेस सरकार घोषणा पत्र में महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ करने के साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए कई वादे किए थे, लेकिन जब से सरकार बनी है महिलाओं के साथ छल के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा, शासन द्वारा जारी इस निर्णय को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में राजधानी रायपुर के अलावा क्षेत्रीय विधायकों से भी पूर्ववत व्यवस्था के लिए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश स्तर पर जो भी निर्णय होगा उसी के अनुरूप आगे की रणनीति बनाकर प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इंद्राणी कौशिक, महिला स्व सहायता समूह। हाँ, जो रेडी टू चलात रही सेवा है, सब महिला बहनी मान जो आंगनबाड़ी में देहे वाला ओका छीन के कहीं हरियाणा के एक व्यक्ति के दे दिए गए कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए तरह तरह की योजना लाए जाते, लेकिन अभी ये योजना का मनन कम से कम 12 साल से संचालित करते थे। अब मोला तो अभी एक ही महीना हो है संचालन करे बर, मोर 10 लाख के कर्जा मैं पड़े हुए हवं। ये एकल लिए शासन से हमन मांग करे बर आए हवन कि जो योजना ला कैबिनेट में लिए हवच ओका वापस कर, महिला मन के अधिकार के लिए महिला मन ला वापस दे और इनकर माध्यम से रेडी टू संचालन करवा, ताकि बच्चा मन के रख रखाव तो करते छे महिला मन अपन घर में, तो आंगनबाड़ी के भी बच्चा मन के रख रखाव करते, ओकर से रोजगार भी मतलब मुहैया हो जाते, सशक्त हो जाते। एक लिए हम सरकार से मांग है कि रेडी टू के जो तानाशाही रवैया अपना है वह ओला वो वापस ले करके महिला बहनी मन ला देवे और इनकर अधिकार के लिए इनकर काम देवे। हमर अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल चली, ओकर ले सुप्रीम कोर्ट तक ले हमन लड़ाई लड़बो अपन अधिकार के नाम से। महिला अपन घर में तो अपन अधिकार के नाम से लड़ते, तो फिर तो राज्य सरकार है अपन अधिकार के नाम से लड़बो, और आगे अगर मांग नहीं पूरा हुआ तो अन्यथा जाना थे शासन है कि कहा हुआ, जब जब नारी के पास अत्याचार हो है वह तब तक हर दृष्टिकोण में ओकर विनाश ही हो है वह। तो मैं माननीय भूपेश बघेल जिला एक चीज़ अवगत करा देना चाहत हवा कि नारी मन से टकरा मत, नारी मन के ही आज ताकत से सरकार बने हैं, नारी मन अधिकार दे, नारी मन के काम ला वापस दे, ताकि ए मनन आगे आप मन के सहयोग करे और आप मन के सहयोग करके आप मन का भी अच्छा सद्बुद्धि दे के आशीर्वाद दे है और आप मन इनका अधिकार का छीना मत वापस कराओ। सब महिला बहनी मन कर्जा में पड़े हुए है वह आज के डेट में, ऐसे स्थिति आ गए कि इनका रोजगार छीना गए, तो आज यहाँ पर आँख में आंसू लेके दिल में दर्द लेके बैठे हुए है वह। एक सेती शासन से मनन मांग करे बरा है वह कि हमार जो रेडी टूट के संचालन का आप मन दिए हवा वहाँ पर जो बाहर परदेसिया का दिए है वो हमार कम से कम महिला बहनी मतलब रोजगार देवे करके ये मांग लेके आए हैं। मैं इंद्राणी कौशिक बिलासपुर जिला से हूँ, बिल्हा ब्लॉक से। ये महिला सशक्तिकरण की बात हुई है, यहाँ पे सारी स्व सहायता समूह की बहनें हैं जो रेडी टू ईट संचालन करती हैं, शासन द्वारा संचालित है ये, इसमें महिलाओं का रोजगार है, ये अपना घर अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सुधार की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सारी योजनाओं को एक व्यक्ति को दे दिया है, जिससे सारी महिला स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं वो नाराज़ हैं। इसलिए हम इनको मांग लेके आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप रेडी टू ईट को स्व सहायता समूह की बहनों को वापस कर दीजिए, आपसे निवेदन है। बस मेरा नाम सविता नामदेव है, मैं कोटा परियोजना से हूँ, मेरा समूह का नाम शुभांशु महिला स्व सहायता समूह कोटा है। हम लोग की मांग है, हम लोग रेडी टू ईट 12 साल से चला रहे हैं, इसको आगे भी चलाएंगे, क्योंकि ये जब चालू नहीं हुआ था, शुरू में जब चालू किए थे रात दिन अधिकारी लोग समूह के पीछे पड़ पड़ के रात और दिन डलवाए थे चक्की वगैरह, और एक एक लाख, डेढ़ डेढ़ लाख, 7 लाख तक मशीन का लग रहा नहीं, बोले आप कर्जा लो इसमें आप चुका दोगे, बोले आज कर्जा लेके हम लोग आए और बीच में खींच ले रहे हैं। क्यों, ये जिसको ठेका अभी दिए वो उस समय कहाँ थे, उस समय कहाँ थे, उस समय गरीब महिलाओं को आप ला के ये सब काम करा,
अच्छा अब खींच ले रहे, ये बीजेपी सरकार के समय दिए थे, कांग्रेस सरकार क्यों लेगी भाई इसको? भूपेश बघेल ना हम लोग के जिताने से जीते हैं, और अब वो जो हम लोग उसको बुरी तरह हराएंगे, और यही हम लोग जी। मैं श्रीमती देविका बजारी रायपुर से। कुपोषण मत हो, कुपोषण मत हो, हमारे सरकार का जवाब देहला पड़ ही करके ये सब महिला बहनी मन अपन जान जोखिम में डाल करके करे हे भाई। और ये महिला बहनी मन से अगर बोलना चाहत हो कि अधिकार ले छीन ले हा, तो मैं भूपे सरकार ला बताना चाहत हूँ अधिकार पर बहनों, मैं एक बात कहना चाहत हूँ, जेकर पास में मोबाइल है, जेकर पास में वीडियो कर सकते हो, बकायदा वीडियो करो, बकायदा मोबाइल से फोटो खींचाओ और अपन क्षेत्र में ये भीड़ ला अटका वायरल कर दो, अटका वायरल कर दो, अटका वायरल कर दो, जगह जगह एक एक ग्रुप में डाल दो, ताकि जनता भी जान ले कि महिला के अधिकार के लिए महिला कैसे लड़ी से। हर महीनी लमे हाँ ये मंच के माध्यम से आह्वान कर News updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.